तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो को एडिट कर ही लेंगे। तो आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और एंड में आपका भाई इस टाइप की फोटो को वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले गाइस, आप अपने गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लीजिएगा और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पर क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो के एंड में आप भी कमाल की एडिटिंग को कर लेंगे। तो सबसे पहले वाले स्टेप में हम लोग साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद इसकी लाइट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। और क्लिक कर लेने के बाद सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर देंगे, हाईलाइट की वैल्यू डिक्रीज करके -30% कर देंगे और नीचे आके सिंपल से इसकी ब्लेड्स की वैल्यू ऐसे हम लोग डिक्रीज करके -28 कर देंगे। आप भी ये सेटिंग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप के अंदर आपका भाई कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करना बताने वाला है। तो यहाँ पे आप वीडियो को देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, कलर्स के आइकन पे जाएंगे और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 39% कर लेंगे और इसकी टेम्प की वैल्यू भी हम लोग इंक्रीज करके यहाँ प्लस साइड में 12% करके और सिंपली ऊपर साइड में ना यहाँ पे मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक कर देंगे। और कर लेने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे और इन्हीं कलर का यूज करके आपका भाई टोन को क्रिएट करना बताने वाला है। तो आप यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू डिक्रीज करके -23 कीजिएगा, सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। इसके बाद इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100। और इसके बाद आपको ग्रीन कलर को लेना होगा, सिंपल से इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू डिक्रीज करके -35 कर दीजिएगा, सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। सिंपल से गाइस, इतना सारा प्रोसेस कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आप भी कमाल की फोटो को एडिट कर लेंगे। इसके बाद येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी ल्यूमिनस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -30 कीजिएगा, सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके आप -73 कर दीजिएगा, ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको अपने फेस वाले कलर को सिलेक्ट करना होगा जो कि ऑरेंज कलर होता है, उसको लेने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू आप थोड़ा सा डिक्रीज करके -27 कर दीजिएगा और इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 14% करके और डन क्लिक कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि शैडो, मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड टोन में आएंगे और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आके अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से घसीट के ना इसे हम लोग ब्लू साइड में कर देंगे। और अगेन क्या करेंगे, हाईलाइट में जाएंगे और सेम यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे, ब्लू साइड में कर देंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद सिंपल से इसकी हाईलाइट में इसकी ह्यू की वैल्यू 222 रखा है सिचुएशन के 51%, और यहाँ पे मिड टोन में भी इसकी ह्यू की वैल्यू मैंने 226 रखा है सिचुएशन को 32%। और शैडो में मैं आके स्क्रॉल करके पूरा नीचे आऊंगा, ब्लेंडिंग की वैल्यू मैं इंक्रीज करके 81% करूंगा और क्या करूंगा, इसकी बैलेंस को वैल्यू को भी मैं इंक्रीज करके यहां से ना अच्छे तरीके से मैं 20% करके और यहाँ से मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पकड़ के मैं ब्लू साइड में कर दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, और यहाँ से मैं डन क्लिक कर दूंगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद दो स्टेप में हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो तीसरा स्टेप इससे भी ज़्यादा आसान होने वाला, तो सिंपल से इफेक्ट के आइकन पे जाके इसकी विगनेट की वैल्यू आप यहाँ से कम करके -39 कर लीजिएगा, क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके 8% कर लीजिएगा, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके 8% और डीआईएस की वैल्यू भी 8% कर लीजिएगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के
बाद हम लोग का 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो चौथे वाला लास्ट स्टेप में आपका भाई ना फोटो के अंदर डिटेल्स को ऐड करना बताने वाला है। उसके बाद आपका भाई ये बता देगा कि कैसे आप फोन क्लिक में एडिटिंग करेंगे। तो चौथे स्टेप के अंदर सिंपल से डिटेल्स के आइकन पे क्लिक करके शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 37%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 16%, और इसके बाद इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 17% कर देंगे, स्मूथनेस को 100% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद ऑल टू ऑल हम लोग की फोटो एडिट हो जाएगी। और इसका प्रीसेट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो प्रीसेट को डाउनलोड करके 1 क्लिक में आप एडिटिंग कर सकते हैं। और फोटो को सेव करने के लिए सर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।